आँखें कहती है बैठ तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा। गुड इवनिंग, शायद आप लोग को मेरी आवाज़ में चेंज लग रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और हम जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल यहाँ पे डॉक्टर के पास पहुँच गए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अपना जो ये व्लॉग है इसको यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ और सेंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा मकर संक्रांति का व्लॉग भी ऐसे ही रखा है। तो यहाँ पर हम मंदिर आए थे। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो मैंने ना दो दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया है, कावे के बर्थडे की व्लॉग है बस वो ही गए हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो इससे मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मैं अभी डॉक्टर के पास जाकर आई हूँ, मतलब थोड़ा सा अभी मतलब ठीक लगा, तो मैंने कहा चलो व्लॉग बनाना स्टार्ट कर लेंगे। एक मिनट, कावे को कुरकुरे चाहिए था, ओपन करके दिया इसको। तो अभी ना आप लोगों को कावे का एक नया लुक देखने मिलेगा थोड़ी देर में, क्योंकि कावे अभी नहाने जाने वाली है। तो अभी ना आप लोगों को काव्या का एक नया लुक देखने मिलेगा, क्योंकि ना अभी काव्या जाने वाली है नहाने के लिए, उसके बाद जब वो आएगी ना तब आप लोग देखना उसका नया लुक। तो चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में, मैं अभी पानी रखा है गर्म करने के लिए, पहले काव्या को नहला देते फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ना बताती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। काव्याचा नवीन लुक, ये देखो काव्या के जो है ना बाल कट किए, ये देखो बेबी कट। काव्या पॉप को काव्या क्या खा रही है? कुरकुरे। और ये देखो काव्या के ना अभी अभी हम लोग गए थे तो काव्या के बाल ना, हमने कहा कि थोड़े कुरली बाल केस थे काव्या के, तो हम लोगों ने काव्या के थोड़े से बाल कट करा दिए। देखो ये देखो अभी अच्छी लग रही है ना काव्या का न्यू लुक, आप लोग बताइए कमेंट करें कैसा लग रहा है। काव्या को सर्दी हो गई है, सर्दी। ये देखो काव्या के, ये देखो ये देखो, तो ये देखो काव्या की हेयर कट करा दिया आज हमने, है ना काऊ। अभी ना मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि ना अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी और बर्थडे वाले दिन जितने भी नए कपड़े निकाले थे ना वो सब मैंने धोए कल, फिर उसके बाद में अभी जो है उनको घड़ी लगा के अच्छे से पैक करके वापस रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं करती हूँ, और अभी हम लोग डॉक्टर के पास जाकर आए हैं दवाई लिए मेरे लिए अभी, और दवाई लेनी है मुझे अभी। काव्या देखो क्या कर रही है। अच्छा काव्या कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज काव्या कैसे थोड़ा सा चेंज आया होगा ना। कमेंट करके बताइएगा कि काव्या कैसी लग रही है। और अभी जाऊंगी मैं बनाने डिनर, क्योंकि 9:30 बज गए हैं, तो चलिए मैं डिनर बना लेती हूँ। और आज कुछ खास नहीं है, सिंपल सादा सा बनाऊंगी, क्योंकि वैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो सिंपल सा बना लेते हैं। और ये देखो काव्या चालू है काव्या का, काव्या को ऐसे कितना कुछ बोलना रहता है। चलिए फिर मैं चलती हूँ, पहले मैं काम करूँगी, मेरे लिए चाय बनाऊंगी, थोड़ी सी अदरक मसाले वाली चाय बनाती हूँ, थोड़ी सी कड़क, जिससे कि थोड़ी सी सर्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वाली सर्दी हुई है। और सर्दी इसलिए हुई है पता है क्यों? क्योंकि ना काव्या का बर्थडे था, तो मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ठंडा ये सब पिया ना, तो अभी बहुत ज़्यादा वाली सर्दी हो गई है, क्योंकि मेरी पूरी नाक बंद हो गई है और आवाज़ शायद आप लोगों को चेंज लग रही होगी, तो समझ जाएगा प्लीज़, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए आवाज़ में चेंज है। तो काव्या अभी ऐसे कितना कुछ करने वाली है। तो चलिए मैं जाऊँगी पहले चाय बनाते, फिर उसके बाद में डिनर की तैयारी करते, तो मिलती चलिए आप लोगों से थोड़ी देर। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ अभी, और आवाज़ पता नहीं कैसी होगी मेरी, बाद में देखूंगी जब वीडियो भेजूंगी तभी, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो इसलिए आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी। तो यहाँ पर अब मैं जो है चाय वगैरह पीने के बाद मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, बड़ा सिंपल सा डिनर बना रही हूँ आज, क्योंकि चपाती और भाजी राइस दाल, ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कुछ मुझे बहुत सर्दी हुई है और तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, और मैंने कहा चलो सिंपल सा बनाते हैं कुछ। और मकर संक्रांति का जो व्लॉग है मैं सोच रही हूँ कि ना
उसको भी मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ और भेज दूँगी। पहले मैंने कहा पहले ये वाला व्लॉग भेज देती हूँ, क्योंकि ये पूरा मतलब है थोड़ा बहुत, मैं मकर संक्रांति का सिर्फ मैंने रेसिपी शेयर की है, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई इस बार मकर संक्रांति पर, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से कर लेंगे, इस बार नहीं कर पाई। लेकिन हाँ बहुत बुरा लगा था, क्योंकि हर साल करते हैं, इस बार नहीं कर पाई। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी गाजर और मटर आलू की भाजी। तो सिंपल सी भाजी है लेकिन बड़ी टेस्टी लगती है इस तरीके से। मैंने पहले लिया था कढ़ाई में तेल, कांदा और जीरा राई, फिर उसके बाद में मैंने सब भाजी को मिक्स कर दिया और यहाँ पर जो है सारे गर्म मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, नमक सॉरी, और इन सब मसालों को साथ में भून लेना है। और यहाँ पर ऐड किया है कोथिंबीर पत्ती, सबको मिक्स कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं पानी ऐड कर रही हूँ और फिर इसको ना ढककर ऐसी बनने रखूँगी स्लो आंच पर, और बहुत टेस्टी लगती है ये भाजी। तो चलिए मेरा ब्लॉग यहाँ तक ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय बाय।